हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर इस व्रत को हल षष्ठी पड़ा। इस व्रत को ललही छठ, हल छठ, हर छठ बा राधन छठ के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार जानते हैं कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इस दिन क्या खाना चाहिए, कैसे इस व्रत का पारण करना चाहिए, यह विस्तार से जानते हैं। और यह व्रत खासकर संतान की लंबी आयु एवं खुशहाली के लिए रखा जाता है। देखिए, हल षष्ठी का व्रत या हर छठ का व्रत उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए और संतान की रक्षा के लिए, संतान सुख प्राप्त करने के लिए व्रत को जाता है। मध्य क्षेत्र में इसको हर छठ या हल षष्ठी कहते हैं और बिहार इत्यादि पूर्व के जो प्रांत है वहाँ इसको ललही षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में जो पंचांग की स्थिति बनी है उस पंचांग की स्थिति के अनुसार और निर्णय सिंधु का अध्ययन करके निर्णय सिंधु में दिवोदास का कथन है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी या हल षष्ठी का जो व्रत है वो सप्तमी के साथ युक्त लेना चाहिए। सप्तमी युतेति दिवोदाशः, हल षष्ठी जो है वो सप्तमी युक्त रहना चाहिए। इसलिए 25 अगस्त के दिन यह उत्तम स्थिति बन रही है, तो माताओं को 25 अगस्त के दिन इस व्रत को रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ निर्णय सिंधु में एक बात और कही गई है कि योगो पद्म को नाम सूर्य कोटि ग्रह सम, अर्थात यदि षष्ठी का व्रत सप्तमी युक्त होकर के रविवार के दिन यदि यह हो जाए तो यह जो है यह पद्मक नाम का योग कहलाता है जो करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान फल देता है। इसलिए आगामी 25 अगस्त के दिन हल षष्ठी का व्रत करना चाहिए। दूसरी बात, यह जो व्रत है यह भगवान शंकर माता पार्वती की प्रीति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो पुष और पलाश से युक्त वृक्ष के नीचे भगवान शंकर माता पार्वती गणेश जी कार्तिकेय की इनकी प्रतिमाओं को स्थापित करके इनका पूजन अभिषेक करें। दूसरी बात, महुआ और 7 प्रकार के जो अनाज युक्त लाई या जो लावा है वह भगवान को 6 पात्र में, 6 दोने में या 6 कटोरी में अपनी सुविधा अनुसार भगवान को हर्षद माता के नाम से अर्पित किया जाता है। इस दिन जो है भैंस के दूध से बने, भैंस का दूध, दही, घी इत्यादि जो है उसका सेवन करना चाहिए। पसाई धान के चावल का सेवन करना चाहिए, मखाने इत्यादि ले सकते हैं। हाथ से बोकर के जो फल या सब्जी या जो अनाज है जो हाथ से बोकर के उगाया जाता है उसको ग्रहण किया जाता है। खेत में हल चला करके, खेत की जुताई करके जो अनाज इत्यादि उत्पन्न किया जाता है उसको इस हल षष्ठी के व्रत के दिन ग्रहण नहीं किया जाता है। इसलिए बड़ी श्रद्धा भाव के साथ हल षष्ठी के व्रत को करें, हर्षद माता के व्रत को करें, शिव पार्वती का पूजन करें, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, संतान की रक्षा होगी और संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा।